गोपाल जी 100 रुपये से हमें आशीर्वाद देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और भाई हमारे कुछ मातृशक्ति माताएं बहने आई थी प्रोग्राम सुनने के लिए, उनको की आई हूँ उनको स्थान दे। गौरव भैया गड्डी बुलंदपुर से, सोनू भाई, सौरभ भाई और ये भाई सोनू भाई खेकड़ा से मान सम्मान करते हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद है। इस रूप में जो मान सम्मान कर रहे हैं तहे दिल से धन्यवाद। बगीची का जहां जान की पड़ी हुई, 13वां फुट उस अंगूठी का जो राम नाम में जड़ी हुई, 14वें फोटो में हनुमान में देख के सीता हुई, 15वां फोटो अंगद का पैर झटक रही बंगले की माँ, तरह तरह के फोटो नक्शे लटक रहे बंगले की। अभी जैसे बता रहा कह लक्ष्मीचंद टोटा आ जा इस तो बुरी बीमारी में, गौर करना। आ जाओ आ जाओ बहनो, आगे आगे जाओ। जब इसकी नंगा हो तो पता नहीं कैसे इंसान को कैसा बना दे और वह राजा को रंक बना दे। आजकल आप सोशल मीडिया पर युवा साथी यूट्यूब का बड़ा प्रचलन देखते होगे। एक वो औरत है कोई रानू मंडल नाम है शायद उनका, वो गाती थी एक स्टेशन पे बेचारी भीख मांगिया करती, और उसका आजकल ऐसा चर्चा होया है कि वो 7 लाख रुपए में एक गाना रिकॉर्ड है। सभी किस्मत का मेहनत का फल है, जो करेगा उसको मिलेगा। इंसान को अपने धर्म पर डटा रहना चाहिए। क्यों डटना चाहिए इसका कारण, भीमसेन ने रचा सोमवर राजों के मंडप छागे, सरोत परी में इंद्र की आगे नारद जी जिक्र करन लाई। हे महाराज मृत लोक में सोमवर है कि किसका, कि भीमसेन की लड़की दमयंती का, के वह होगा फिर हम के करें। हे महाराज ये जितनी परिया हैं ये उसके बिल्कुल समान भी नहीं, 1% भी, इतना उसका रूप चमकता है और वो गुणों की धनी है। तो 4 देवता दमयंती को बहने के लिए चल पड़ते हैं, इधर से राजा नल भी चल पड़ते हैं उस हंस की कही बातों पर विश्वास करने के लिए। अब राजा नल अपने आसन पर विराजमान, राजा नल को जब चारों देवताओं ने देखा कि भाई मारे तो 17 मानस, मनुष्य की इतनी औकात, देवता तो बहुत सुतरे भाग, फिल्मा में भी देख दोगे पाछा चक्कर है चल जा रहा, मारे तो 17 मानस की औकात की होगी भाई। लेकिन जब रूप देखा सच्चाई को सामने पाया, स्वयंवर की शरत थी कि दमयंती जिसको भी वरमाला डालेगी वो उसका पति कहलाओ। अब दमयंती जैसी जैसी आगे बढ़ती रही, जब राजा नल के नजदीक आना हुआ तो एक राजा नल नहीं 5 राजा नल मिले, उन देवताओं ने भी राजा नल का रूप बना लिया। अब जब उनको देखा तो हंस की बात को ध्यान किया कि मेरे को सद्बुद्धि दो, मुझे राजा नल का ज्ञान कराओ। अब आकाशवाणी होती वहां पे, जो अपने सद्धर्म पर डटी रहती है मेरी बहन, उसको परमात्मा जरूर किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं, उसका काम सुवारते हैं। देवताओं और मनुष्य में 2 अंतर होते हैं, ध्यान रखने योग्य बातें कभी वार्तालाप हो जाए। देवताओं का जो आसन है वो धरती से 1.25 हाथ ऊपर होता है, और देवताओं की कभी भी कोई छोड़ी कोई परछाई नहीं। राजा नल का जमीन से आसन लगा हुआ, उसकी परछाई देखी, चारों देवता एक साइड हो गए, क्यों उनकी पहचान थी उसने, राजा नल को वरमाला डाल। अब सारी सभा ताली बजाती है और राजा नल और दमयंती के फेरे होने लग जाते हैं। तकरीबन गृहस्थी बैठे हैं, और मेरा भी 20 दिसंबर में ब्याह था। हाँ गौर करियो, अरे भाई एक आधा रह रहा हो, अरे भाई कश्मीर अपना हो गया है, देखेंगे सूत बिठाऊंगे।
कोशिश है गौर करना पंडियों ने फेरे गणवाए कैसे चलते हैं, कैसे फेरे किए जाते हैं, क्या क्या नियम होते हैं। विनंती की सहेलियां उसके चगर दे के उसकी भाभी ओढ़े और उसने संगवाया कर छोरी ने सारा परिवार इकट्ठा बैठ के और उस लड़की की सखियां और जिसकी भी ड्यूटी लावे देखे कदे कुछ हो ना जाए। ये होते हैं फेरे, कैसे चलती है दमयंती फेरों पर क्या क्या। एक बार इनाम बोलने से पहले ताली चाहूंगा आपकी, एक बार ताली बजा के भाई का स्वागत करें, क्योंकि इसका कारण हमारा तो शायद जन्म भी नहीं हुआ हो तब से भाई इस संस्कृति को यूपी की तरफ से सजो कर रख रहे। ऐसी ऐसी रागनियां अभी अभी हमें सुनाते हैं जो कदे मास्टर जी शुरू में गा कर जहाज से कंपटीशन शुरू हुए, ऐसे ऐसे कवियों की ऐसे ऐसे महान उनकी रागणी आप भी समेटे हुए। मलिक कैसेट की तरफ से मदन भाई ब्रोच से 101 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, भाई का तहे दिल से धन्यवाद। कैसे चलती है दमयंती क्या कहा। पंडित जी ने अग्नि प्रज्वलित कर दी, मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। इसके बाद
फेरे होने शुरू हो जाते। अब ये भाई ने सबसे पहले मान सम्मान किया था 10 रुपए से, ब्याह हो रहा है, ब्याह हो रहा था ना, ओए होए अना खाली हो रहा है, आगे झूठ बोल रहा है। हाँ वो ध्यान आ गई मेरे एक बात, वो एक गांव में भगवान इतना रूझ रहा, अब गांव में सारे रांडे रांडे आरमरे बटे साफ बदन पकिया न तोड़े, क्यों किसी का को लाल लत्ता था ही नहीं, को मैले कुचले पर कितना प्रेस हो था वहां भाई। अरे भगवान की इसी मेरे दो घर ही से वो दो घर ब्याह रखे बस। अरे ओड़को आ गया बेचारा रात ने चपाड़ ही लागनू उसके दौरज आ गए, और वह रंडे ताशा खेल ना करे, अरुण जागे बोला न बोला भाई जावे बोला या गाड़ बोला पार लिखी जागी भाई। अरे नू कंधे एक जना तड़े तो बोला रखूं साया बोला रही उतार हुआ रहा फलाने काम तो भाई नू पूछे बोला या गाड़ पार लिखी जागी। एक जना कहे फिर तड़े तो बोला रहा मारा ले जाइए रस्ते आला होगा, दूसरा बोला बोला वो को लगता बोला और अरे इतने में ताऊ ने सुन लिया बात है, ताऊ के लगन बोला लाल लत्ते का प्यो तो नहीं भाई धार है, देख लिया ताऊ ने भी और डाल का सौदा है, बोला लाल लत्ते का प्यो तो नहीं वो जुड़ू सानू कह था ना मारा करा लीजिए न, बोला ताऊ बोला मन्ना देख मेरा किसा भगवान से दया किसा भगवान रूस है मेरे पे, बोला के बाद नो बोला सब बदन तड़की 8 बजे आ लू और शाम न 6 बजे उठ के जाऊँ तासा बदन मेरा ही सा भगवान रूझ रहा लाल लत्ते की तो बात के तासा में भी बेगा ना आंदी सब बदन। अरे नो कह देता हूँ नो बोला भाई मन तो काम से हम गलत समझ रहे हो मैं रस्ते आला नहीं हूँ, अरे कह के बोले गाड़ पार लिख जाएगी ये सोच लिया उन थारे काम का तो सही नहीं, उन दो घरा का ना हाथ करके न बोला इन दो घरा की इसी तीसी और इना तो अगाड़ पारे लकड़नी थी। अरे भाई जिसकी पार लकड़नी है उसका तो सौदा नहीं तो यहां से फेरे होने शुरू हो जाते हैं, फेरे हो गए मुख्यतः रूप से नो कहते बस 7 फेरे ना शाबाश।